जींद महापंचायत में कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में महाफैसला लिया गया था। कैप्टन अभिमन्यु और आरोपियों के बीच समझौते के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद आरोपियों पर लगी कुछ संगीन धाराएं हटा ली गई। सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर कुछ लोगों ने हमला किया था। मामले में पुलिस ने अपनी ओर से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई मामले में कई तथ्य खंगाल चुकी है और कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले को लेकर सीबीआई की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 1 फरवरी के दिन भी इस मामले में कोर्ट में 57 आरोपी पेश हुए। 57 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। धारा 120 बी, 148, 149 और 186 के तहत आरोप तय किए गए हैं। देशद्रोह और आर्म्स एक्ट की धारा को हटा दिया गया है। अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी। 3307, 148, 149 जितने जो सेक्शन चार में हैं, उसमें आर्म्स एक्ट का और देशद्रोह वो सेक्शन उसमें डिलीट कर दिया। 4 आरोपी 6 फरवरी के दिन हुई सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए। रिमेनिंग जो है आज 4 अक्यूज नहीं आए, जिनकी एग्जेम्पशन थी उनकी नेक्स्ट डेट पे 4 लोगों के खिलाफ। बता दें कि इससे पहले चीन में महापंचायत के दौरान जाट समाज ने इस मामले में सिंधु परिवार और आरोपियों के बीच समझौता करवाया था। अब उस समझौते का आने वाले समय में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है। खबरें अभी तक के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।